निगम भिलाई के MIC सभागार में जल कार्य प्रभारी ने सभी जोन के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक बुधवार को आहूत की, जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आगामी गर्मी के मौसम के आने के पहले निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में जल आपूर्ति सुचारू हो सके, इसकी तैयारी पूरी कर लें। नगरपालिक निगम भिलाई के नवगठित MIC के जल कार्य प्रभारी केशव चौबे ने बुधवार को सभी जोन के जल कार्य संभालने वाले अधिकारियों की बैठक MIC सभागार में ली, जिसमें आने वाले ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए सभी वार्डों में शुद्ध पेयजल प्रदान करने व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं अब तक जिन क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंच पाया है वहां की समस्याओं से अवगत भी हुए। साथ ही अधिकारियों के संग समन्वय बनाकर आगामी ग्रीष्म ऋतु से पहले इन सभी समस्याओं के निदान के लिए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में कुछ वार्ड के जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे, जहाँ अब भी शुद्ध पेयजल पाना एक सपना बना हुआ है। इन प्रतिनिधियों ने अपने वार्ड में शुद्ध पेयजल प्राप्त न होने की समस्याओं से अवगत कराया, जिसे अधिकारियों ने विशेष तौर पर सुना और त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बैठक को लेकर MIC के जल कार्य प्रभारी केशव चौबे ने न्यूज टीम को जानकारी दी। मुद्दा यह है कि आने वाला भी ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की किसी को कमी ना हो, इस कारण हम लोगों ने अपने सचिव के माध्यम से समीक्षा बैठक यहाँ आहूत की है। तो आने वाला जो गर्मी है उसमें कई देखा गया कि हैंडपम्प खराब है, वाइसर नहीं है, सिलेंडर नहीं है और पाइप नहीं है, ऐसी समस्या लोग बताते हैं। इस कारण हैंडपम्प का संधारण नहीं हो पाता, कई जगह पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है, सड़ गए हैं और कई जगह डिस्कनेक्ट हो गया है, कट चुकी है, तो ऐसे में लोगों को पेयजल उपलब्ध ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो हमने मांग की है समीक्षा बैठक के माध्यम से कि आने वाले गर्मी में लोगों को पेयजल उपलब्ध हो, सुचारू रूप से पेयजल लोगों को डोर टू डोर मिले। क्षेत्र एक श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ वाटर टैंक बनाने से आसपास के जो श्रमिक क्षेत्र है उसमें लोगों को पेयजल सुचारू रूप से मिल सकता है। और हम लोग एक जन जागरण अभियान चलाने वाले हैं लोगों के लिए नल जल योजना, ताकि टोटी निगम के माध्यम से एक मुनादी करके लोगों को जागरूक किया जाएगा कि भाई आप लोग एक टोटी लगाएं, पानी बचाएं और लोगों को आगे पानी और पीने के लिए दें। कई लोग मोटर पंप लगा लेते हैं, इसलिए लोगों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता, तो टोटी लगाएंगे। अगर टोटी लगाने के बावजूद भी टोटी को लोग तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करने के लिए बोले हैं, ताकि लोग जागरूक हों और टोटी को वहाँ से किसी प्रकार के कोई नुकसान ना हो। ऐसे हम लोग एक जन जागरण चलाने वाले हैं, तो यही मीटिंग में हम लोग बात रखे थे और लोग जल्दी जल्दी इसको जागरूक हो जाएं और अपना अपना घर में अपना पानी बचाएं। बिन पानी सब सुन, बिना पानी का कुछ कार्य तो होना नहीं, इसलिए लोग जागरूक रहें। भिलाई की जनता, उसके लिए हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग इसमें सहयोग प्रदान करें निगम प्रशासन को, धन्यवाद। अमृत मिशन 1 और अमृत मिशन 2 योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद भी अभी कई वार्ड शुद्ध पेयजल के लिए विशेष तौर पर ग्रीष्म ऋतु में जद्दोजहद करते नजर आते हैं। हालांकि इन दो योजनाओं से टैंकरों के परिचालन में कमी आई है, परंतु अब भी कई वार्डों में टैंकर ही एकमात्र सहारा है। जरूरी होगा कि जिस प्रकार बैठक लेकर इन समस्याओं पर संज्ञान लिया गया है उसे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए और निगम क्षेत्र के सभी वार्डों की जनता को शुद्ध पेयजल प्राप्त हो सके। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।